Hey guys, this is Raj and you're watching Pet Shark. तो आज की इस वीडियो में हम फ्रेश लीव्स और फ्लावर्स मेरे डियरेस को फीड करेंगे और ये खिलाते टाइम मैं क्या क्या चीज़ें करता हूँ ये इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो एंड तक बने रहे, आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। तो ये फीड करने वाला हूँ मैं आज। ये बहुत ही पसंद होता है इग्वानास को। ये दोनों काम में आते हैं, फ्लावर्स भी और लीव्स भी। तो मैं इसमें से आपको बताता हूँ कि किस तरह तरीके से मैं कौन सी लीव्स चूज़ करता हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रेश लीव्स है, ज़्यादा भी बड़ी नहीं है। तो ये सॉफ्ट होती है, ये देखिए ऐसी ही लीव्स चूज करता हूँ मैं ताकि उसे तकलीफ ना हो खाने में। और ये देखिए कितने सारे फ्लावर्स हैं। तो जितने भी फ्लावर्स मिलते हैं मैं उन्हें फीड कर देता हूँ। और आप देख सकते हो कि आपको क्लीन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, जिससे कि पैरासाइट्स भी आ सकते हैं। तो मेक श्योर आप जब भी कोई भी फीड करें फूड, तो आपको उसे क्लीन करना है। फ्लावर्स भी बहुत पसंद आते हैं इनको। तो आपको ये देखिए इसमें बहुत सारे कीड़े होते हैं, देखिए चींटियाँ होती है। तो आपको बस इसके साथ ये करना है। तो देखिए गिर जाती है चींटियाँ, देखिए गिर गई। इसके ऊपर की चींटियाँ जो होती है वो काटने वाली नहीं होती है, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी इग्वाना को नहीं काटेंगे तो भी एक प्रिकॉशन के लिए आपको उन्हें निकाल देना है। और ऐसे भी वो भाग जाती है। ये सब पत्ते निकालने के बाद जितने मुझे चाहिए, जितने वो खाता है, मुझे पता है कि कितने खाता है, तो उतने पत्ते निकालने के बाद फिर मैं इन्हें वॉश करता हूँ। वो भी कैसे करना है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए अभी मैंने जमा कर लिए हैं तो अभी इसे वॉश करते हैं। तो ये रहा मेरे टीरेक्स का मेन्यू, फ्रेश एकदम से फ्रेश है, अभी के सामने निकाला है। तो अभी इसे वॉश करेंगे, मैं फ्लावर्स निकाल दूंगा। फ्लावर्स को ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके जो पेटल्स होते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं, तो आप देख सकते हो तुरंत ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने दिखा दिया था आपको कि क्यों आपको वॉश करना है, और जितना हो सके क्लोरीन फ्री वाटर का यूज़ करें। और मैंने बाउल इसीलिए लिया है क्योंकि इसमें अच्छे से क्लीन होगा और वाटर ज़्यादा वेस्ट भी नहीं होगा। पत्तों के ऊपर बहुत धूल होती है, जैसे कि आप सभी को पता है कि डिपेंड्स कि आपके घर में अगर बालकनी अगर आपकी टेरेस पे होगा और ज़्यादा ऊपर होगा तो ज़्यादा धूल नहीं होती है, लेकिन धूल हर जगह पर होती है। अगर आपका घर रोड साइड होगा और आप ऐसे प्लांट से निकालोगे तो उसके ऊपर भी बहुत सारा पोल्यूशन और डर्ट होगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वॉश करके ही लेना है, नहीं तो पैरासाइट्स की बीमारियां
वर्म्स हो सकते हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जितना हो सके आप आपके इगुआनास को नेचुरल फूड और ताज़ा फ्रेश फूड देंगे तो आपके इगुआनास अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। तो मैं अच्छे से वॉश कर लूँगा। देखिए मिट्टी कितनी निकल रही है इसके अंदर से। इसमें एक टास्क है कि इसके पत्ते जो है वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, तो आपको एक एक करके वो जितना हो सके क्लीन कर लेना है। अब देख सकते हो कि पानी का कलर देखिए ब्राउनिश हो गया है। आपको इसके ऊपर मैं दवाई डालूंगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए गंदा है, तो वापस एक बार थोड़ा पानी लेंगे, रिंस करेंगे। ये मैं प्रोसेस फॉलो करता हूँ तो सोचा कि आपको मैं ये शेयर करूँ। मुझे पता है कि ये बहुत बेसिक है, लेकिन किसी किसी को पता नहीं होता है क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी है। तो कुछ कुछ चीज़ें सीखने के काम आती है। तो ये हमारे टीरेक्स का फूड रेडी है। अब देखते हैं सांप की रिएक्शन क्या है। सो लेट्स सी। मैं ये सारा फूड उसके फूड बाउल में ट्रांसफ़र कर दूंगा और जितना हो सके इसे फैलाने की कोशिश करूंगा ताकि वो आसानी से उठा सके। देखिए मैंने थोड़ा मॉइस्ट रखा है, उसके अंदर थोड़ा पानी भी रख दिया है जो पत्ते हैं, जिससे कि हाइड्रेट होने में हेल्प होती है, डिहाइड्रेट नहीं होते हैं। सो लेट्स सी हिज रिएक्शन। ना थोड़ा ग्लेयर आएगा, सो सॉरी फॉर दैट। उसे बहुत पसंद है और ये बहुत फ्रेश होता है तो उसे खाने में भी मज़ा आता है। सॉरी गाइस थोड़ा ग्लेयर आ रहा है, बाहर लाइट है, अगेंस्ट लाइट में शूट कर रहा हूँ। तो मैं ये यहाँ पे रख देता हूँ, वो खुद होके नीचे आके खा लेगा। अभी फ्लावर आपको कैसे देना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको, बस उसे ये जो ग्रीन पार्ट है उससे निकाल के देना है। देखिए ये ग्रीन पार्ट और ये फ्लावर निकल गया। ये पसंद नहीं है, ऐसे भी नहीं खाता है, थोड़ा हार्ड होता है। मैं इसे हर टाइम उल्टा फीड करता हूँ ताकि वो आसानी से उसे खा सके। देखिए इजीली उसने उसे खा लिया कम्प्लीटली। अगर साइड से देंगे तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि साइड से देंगे। ये मैं हैंड फीड करता हूँ बहुत बार, ये उसके लिए ट्रीट जैसा ही है। तो देखिए अभी साइड से फीड करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आता है। पेट नहीं कर रहा हो टीरेक्स, खा लो। आंख बंद कर रहा था।
थोड़ा ब्रेक लेंगे क्योंकि उसने बहुत बड़ा लीव्स उठाए थे, बहुत ज़्यादा लीव्स उठाए थे। और हैंड फीडिंग देते टाइम आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लगातार उसके मुंह में ठूसते नहीं रहना है। जब भी उसकी मुंह की मूवमेंट ख़त्म हो जाएगी तभी आपको उसे वापस उसके सामने देना है। देखिए अभी साइड से खाएगा तो एक एक पेटल ही खा पाएगा। देखिए इसमें दिक्कत आती है, देखिए तो ये पार्ट जो है वो बच गया। देखिए तो उससे अच्छा है जैसे मैंने दिखाया हैंड फीड देना है उसे। मैं उसे फ्लावर्स ज़्यादातर हैंड फीड ही करता हूँ। तो इस तरह से मैं मेरे इक्वाना को, मेरे टीरेक्स को फीड करता हूँ फ्रेश फूड। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब माय चैनल, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आप फ्यूचर में कोई भी अपडेट्स ना मिस करें जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। तब तक यू स्टे हेल्दी एंड कीप योर पेट्स हेल्दी। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हो गया, तुम्हारा खाओगे? ओके, खाना है।